जब आप आए ग्वालियर में तो ग्वालियर फोर्ट में जरूर आइएगा, और जब आप ग्वालियर फोर्ट की सड़क पे ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट बैठता है पहाड़ के ऊपर, तो आपको मिल जाएगी ये खूबसूरत जगह। दो द्वार हैं, एक ऊपरी द्वार और एक नीचे वाला द्वार, और इसे बनाया था इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी में, और ये है आउटर डिफेंसेस ऑफ द फोर्ट जो है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत द्वार है, और बहुत ही वेल डिफेंडेड गढ़ है। वाह। और जब आप दोनों द्वारों के बीच में जब आप जो रोड लेंगे जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आपको देखेंगे ये सुंदर मूर्तियां जो पत्थर से कार्व हुई गई हैं, और ये जो हैं, ये हैं जो जैन के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां हैं, और जिसमें जो सबसे बड़ी जो है वो है आदिनाथ जी की मूर्ति। तब जो 57 फुट की मूर्ति है वो खड़ी हुई है, वो बिल्कुल शेड में रहती है और पेड़ के पास, बहुत सुंदर है, तो वो सबसे बड़ी वाली है, बहुत खूबसूरत। और ये जो है, इन्हें कहा जाता है कि तोमर राजा जो थे डूंगर सिंह, 15वीं शताब्दी में ये सब मूर्तियां उनकी देखा रेखी पे बनी थी और बहुत ही सुंदर है। तो जिस तरह से भी आप इसे देखें, खूबसूरती बहुत विशाल है, और जितनी हिस्ट्री यानी कि जितना इतिहास सारी दुनिया में है, उससे ज्यादा इतिहास तो हम भुला चुके हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की हर गली हर मोड़ में ऐसा इतिहास आपको मिल जाएगा, और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ग्वालियर फोर्ट में पहुंचने से पहले ही इतना सारा इतिहास आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ रुक के जरूर देखेगा इन चीजों की खूबसूरती। और अब हम तो खड़े हैं, वहां जा रहे हैं घूमने के लिए, आप क्यों खड़े हैं? आप जाके इतिहास देखिए ना, देखिए कितना खूबसूरत है।